सुबह के बज गए 6, निकलना है जल्दी, 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, नेचर ओवर फील करना है, नेचर ओवर महसूस करना है, 5 घंटे का रास्ता है जहाँ पे जा रहा हूँ। आज बड़ा बेहतरीन हिसाब है उसका, मैंने तो पहले देखा था उसको होटल, उसमें रिव्यू देखा था, बड़ा अच्छा बताया था नेचर के बारे में। घर के अंदर शेर भी आता है वहाँ पे, होटल के अंदर जिस होटल में जा रहा हूँ रूम के अंदर शेर। सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कसम से जहर हो रहा है, बिल्कुल सर्जी कर रहा है, यहीं रह जाऊं बस। अगर कन्नड़ में पूछना हो भाई कि भाई कितनी देर में पहुंचेंगे तो कैसे पूछेंगे? पूछना है एट घंटे कर रहे, एट घंटे रहे, एस्ट घंटे रह कर रहे, कैसे मतलब? एस घंटे मूत्र है, एस्ट घंटे मूत्र है। इसका मतलब पता है क्या बैठता है? एस्ट घंटे मूर्त रहे, मूर्त रहे, मूत्र में कहते मूत्र। मेरे को कन्नड़ सीखना यार कसम से, बहुत थोड़ी थोड़ी आती है कन्नड़ सीखनी। जैसे कैसे बोलते हैं ना, निंगे सुल्पा 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 बर्त है, सुल्पा का मतलब हमारे यहाँ पे ना सुल्पा ना। तो ऐसे पूछना है, एस घंटे मूर्त रहे, तो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे, तो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे आक रे। सुना एक जने गाना है, बताओ भैया क्या हम यहाँ रामगढ़ को जाएंगे क्या? वो शोले वाला रामगढ़ जो है, ये वही रास्ता है क्या? नहीं, क्योंकि पिछली बार गया था ना, तो वो वहां से गया था तो बताया था उन्होंने कि इधर वो शोले की मूवी की शूटिंग हुई थी यहीं पे, नहीं पर बैंगलोर में, क्या नाम है उसका, यहाँ पे पास में ही, क्या नाम है उसका, रामनगर है उसका नाम, शोले में बोलते हैं रामगढ़, रामगढ़ के वासी हो क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। असली ग्रीनरी का अगर मजा लेना है ना तो भाई साउथ में ही है बस असली ग्रीनरी का मजा, जगह जगह पे ग्रीनरी, नेचर का मजा कर लेना, साउथ से बढ़िया कुछ नहीं लगा मुझे। मोबाइल में तो कैप्चर नहीं कर सकते हम कुछ, दिखने रात में रियल में देखोगे ना तब पता चलेगा आगे साउथ में क्या है। देखो भाई ये भी वहीं जा रहे हैं सब लोग, जहाँ हम जा रहे हैं ना सब वहीं जा रहे हूँ यार, मुझे पता है, क्योंकि हमें हमेशा चोर को ना चोर नजर आते हैं, जो आदमी जैसा होता है ना दूसरों को अपने जैसा समझता है वो भी, ये भी ऐसा ही है साला। सही नहीं है क्या? क्या बोला था वो कन्नड़ में कैसे बोलते हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे? इसी घंटा इस घंटा एल मुड़तीरा मुड़तीरा या मुड़तीरा उड़तीरा उठतीरा क्या मुड़ तीरा एस्ट घंटा मुड़ तीरा नाग में पहुंच जाएंगे, नाग घंटे में। मेट्रो की तैयारी चल रही है बेंगलोर में कम से कम 5-6 साल हो गए, कभी तो चलेगी मेट्रो। जिंदगी का मजा इसी में, ये बार मैं सही बता रहा हूँ। ला 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 सूरज के देखो उगता हुआ सूरज ना भाई, बड़ा ब्यूटीफुल नजारा है बेंगलोर का। बेंगलोर को तुम मामूली समझ रहे हो, बेहतरीन वाली सिटी है बेंगलोर, पहाड़ी पहाड़े हैं यहाँ, बहुत सारे पहाड़े हैं यहाँ पे एक से। नारियल पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, तो मेरा मन खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो गया। नारियल पानी पानी, मलाई नहीं चाहिए, मलाई नहीं, ओनली वाटर, वाटर पी लो। नारियल पानी बड़ा खतरनाक हो, साउथ में आकर नारियल पानी ना पियो तो बेकार है, साउथ का नारियल अब तो कहाँ गया भाई। बंद हो गया दरवाजा, चलते हैं नारियल पानी पियो, पी के मजा आ गया भाई, मन खराब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा यार, या तो आज मैं सोया नहीं, आज न सोया सारी रात आई थी इसलिए। ये आ गया हम होटल, हमारा होटल आ गया यहाँ पे, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, रूम सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे।
क्योंकि हमने दूसरा रूम लिया ना नेचर जंगल वाला, तो इसीलिए हमारा रूम यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अभी वहाँ चल गया ना पीछे से मैं, तो वहाँ पे है हमारा रूम, और ये यहाँ पे आ गया हमारा होटल का रिसेप्शन। तो भाइयों ये आ गए हम होटल में। होटल देखो कितना मस्त है यहाँ पे, एक रूम इधर है, एक रूम उधर है, एक रूम उधर है, प्राइवेट रूम है भी, खतरनाक वाला रूम है। अपना रूम दिखाता हूँ कितना मस्त रूम है मेरा यहाँ, बहुत मजे की चीज़ है, बढ़िया। इधर से हो गया एंट्रेंस, अंदर घुसते ही यहीं पे टीवी लगा रखा भाई ने, कि भाई कोई बड़ा टीवी वाला हो तो देख लेगा। पानी वानी की बोतल रखी थी यहाँ पे, अपना जो मर्जी करना हो, आपको लेटना हो, सोना हो, बैठना हो, बैग वगैरह रखो, बेड बेड बड़ा ब्यूटीफुल है भाई, रूम बढ़िया है बिल्कुल, एकदम खतरनाक वाला रूम है। और रूम के जरिए खिड़की यहाँ से खोल के बेड के ऊपर लेट के, और यहाँ से खिड़की खोल के रात को बाहर लाइट जलती रहती है, शेर आए, भेड़िया आए, कुछ भी आए, आपकी फटरी नहीं है देख के उसको मेरी तो फट गई थी रात। इधर से पूरा फ्लोरिंग भी बड़ी मस्त है, पत्थर वाली है, और ये छत बिल्कुल ऐसी है जैसी हाथ से बनाई हुई हो, वो उस वो बना देना हाथ से, वो मैट वगैरह बनाते थे पहले, उस तरह की छत है, बढ़िया वाली छत लग रही मुझे, बिल्कुल फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ जगह आ गया इससे। इधर चलते हैं वॉशरूम की तरफ, यहाँ पे एसी लगा हुआ है ऊपर, इधर वॉशरूम है, वॉर्ड हो गए, कपड़े कपड़े टांग लो अपने यहाँ पर, यहाँ पर कपड़े टांग लो, यहाँ पर शूज़ पहन लो बैठ के नीचे से, और इसके पास ही इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी बड़ा खतरनाक है भाई, जहर है बिल्कुल। ये देखो जैसे वॉशरूम में घुस गए अंदर, घुसने के बाद में पूरे कमरे में, पूरे वॉशरूम में सिर्फ ये वाला मिरर है, इसका बेल बना दो, कैसा मिरर दे रखा, छोटा सा मिरर दिया हुआ है इतना सा, हैंड वॉश करने में थोड़ा सा पानी चलाओगे पानी भर जाएगा उसके अंदर। असली मजा तो यहाँ पे है, छत से लग रहा है ऊपर से खुली हुई हो, शावर लेने के लिए खड़े हो जाओ भाई, थक जाए करके पानी आएगा जितना मर्जी, देखो स्टोन कितने पैर लग रहे हैं, ऐसे मन कर रहा हूँ घरे ले जाओ अपने मगर लेके नहीं जा सकता। तो बस ये रूम है, बढ़िया रूम है, एकदम लगता है ऐसे खेत जंगल वाली फीलिंग आती है, जंगल वाली रूम में आके छत को देख के और भी ऐसे लगता है, एसी वैसे सब लगा हुआ है वैसे यहाँ पर, छत को देख के तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। जब पहले मैट चलते थे ना, मैट चलाते थे पहले, मैट होती थी वो हाथ से घूम के रखते, वो उस तरह की छत है ये रूम है भाई, बस देख लो। ओके हम चलते हैं, देखो भाई ऐसे मारा भाई उल्टा देते हैं, उल्टा उल्टे सुन ये बता रहे हैं, इधर चलते किनारे पर, किनारे बहुत सारा पानी भर, फिर बता दो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना हिरन पानी पीना आते हैं, स्विमिंग पूल का हिरन हो गया, टाइगर हो गया, मतलब एनिमल वगैरह पानी पीना आते हैं बहुत यार। अंदर का पानी से क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि स्विमिंग पूल लग रहा है, अंदर से क्लीन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अंदर ले जाके अंदर से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मगर हो नहीं रहा क्योंकि क्लीन नहीं दिख रहा, देखता हूँ जाकर। नहीं दिख रहा कुछ मुझे तो कुछ दिखा, तो आपको दिखा होता मैं कह जिंदगी का मजा ऐसी भेज लो बस, मतलब जिंदगी का मजे ले लिए खट्टे में, ये जिंदगी का मजे आ गया भाई, स्विमिंग पूल में नहा के अब चलते हैं घर पे, रूम पे चलते हैं अब, पर तेरी स्विमिंग होगी, मज़ा आ गया भाई, असली जगह है घूमने के लिए, अगर आना है किसी को मेरे हिसाब से मज़ा लेना है, बस वीडियो में तो कुछ बता नहीं सकता मैं, वैसे मज़ा आ गया पूरा भाई, ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में हो चारों तरफ से, यहाँ पर तो कुछ दिख भी रहा है, और इधर से स्विमिंग करोगे ना तो जंगल वाली फीलिंग आएगी, जंगल के अंदर मंगल हो रहा है।
कसम से पैरट रिप्लाई कर रहा है। मी टू। आवाज आई सच में? मी टू। ओ भाई कसम से रिप्लाई कर रहा है। डर के भाग गया। कॉफी पी लो गाइस, कॉफी। चीनी तो है नहीं इसमें, असली मजा आ रहा सर्दी में आने के लिए। ठंड में इसमें आग जला के चार तरफ बैठ के लोग बातें करते हैं, बैठ के कितना अच्छा लगता होगा ना। आज के आग के सामने सब लोग बैठ के हाथ सेंकते हैं, कितना अच्छा फील होता होगा। एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं एक दूसरे की। पंछी नदियां पसंद के झोंके कुछ सर ना रुको के रुक गया था भी सारा था। पानी में डुबो गया आईफोन की ले लिया अच्छे से मैंने। आवाज खराब होगी मेरे को लग रहा है, इसमें चलाना पड़ेगा वाटर प्रूफ सॉन्ग वाला। मज़ा आ गया स्विमिंग करके वैसे कसम से। आज की स्विमिंग में मज़ा ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि ये जंगल में थी और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे कहीं जंगल में ना गए हों। बचपन की याद ताज़ा होगी, बचपन में हम क्या करते थे जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे नहर बोलते हैं, नहर होती है पता भी होगा सबको, पानी जाता है उसमें, खेतों में पानी जाने के लिए होती है नहर, उसमें जाते थे नहाने के लिए। एक बार क्या हुआ, मैं छोटा सा था काफ़ी, 10-11 साल का होगा तब मैं, तो मैं नहाने के लिए गया वहाँ पे, ठीक है नहर में। और बचपन में छोटे छोटे तरंगे नहाते थे बिल्कुल। तो भाई मेरे मैं वहाँ पे नहारा तो धूप हो रही बढ़िया वाली, खतरनाक वाली धूप हो रही थी, मतलब गर्मी, तो गर्मी में ज़्यादा नहाने के लिए जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे नहारा मैं अंदर, तो वो जो नहर थी उसके पास एक ब्रिज था, ब्रिज तो ब्रिज के नीचे से भी आ जा सकते थे बाहर। तो जैसे मैं नहारा था वहाँ पे तो पता चला मेरे चाचा आ गए वहाँ से, इधर से दूसरी साइड से चाचा आ रहे हैं मेरे। तो किसी ने बता दिया मेरे को, तेरे चाचा आ रहे हैं चाचा। अब भाई मैं डर के मेरा दिल धक धक, मैं कहा मारेंगे भाई नहर पे देख लेगा चाचा ने तेरे को। मैं जाके ब्रिज के नीचे छुप गया, अंदर नहर के अंदर ब्रिज के नीचे छुप गया पानी के अंदर। अब भाई मेरे चाचा को बता दिया किसी ने कि भाई तुम्हारा लड़का यहाँ पर छुप रहा है नीचे। भाई नंगा बिल्कुल, मैं कपड़े कुछ पहने रखे नीचे। मैं खड़ा हूँ, चाचा क्या करेगा, कभी तो निकल के आएगा तू बाहर, कभी तो आएगा ही तो निकल के बाहर। मैं कह रहा मगर जी नहीं चाचा सॉरी, अब नहीं आना का, अब नहीं आना का, तू फिर आवेगा मुझे पता, तू निकल बाहर तू आज। भाई उस दिन के बाद मैं नहर पे नहीं गया कभी नहाने। मेरे चाचा को तो याद भी नहीं होगी वो बात मुझे लगे, मेरे को तो आज तक याद है बचपन की। डिनर का टाइम हो गया, अंधेरा हो रहा सब जगह, ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, सब जगह अंधेरा हो रहा है। और ये बताया हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे शेर आता है, डर लगा जाते हुए। चलो भाई एक बात याद रखियो, अगर कभी ऐसा चांस ऊपर वाला ना लाए, पहली बात तो कभी किसी के साथ में ऐसा चांस हो, अगर कभी ऐसा चांस आ जाए शेर पकड़ के ले जाए तो भाई डरने का नहीं, उसको डराने का है, आवाज़ निकाल के और उसकी आँखों में उंगली दे दियो, दोनों आँखें फोड़ दियो साले की। मरना तो वैसे भी मरना है, कोशिश करना उसकी आँख फोड़ दियो साले की, भाग जाएगा डर के, क्या पता बच जाए जान, मगर सही नहीं है, गलती होगी मेरे से। मेरी फटी पड़ी है। जंगल है भाई सारे में, इससे अच्छा कार में आते हैं अपने लिए क्या था। वो क्या था, कुछ नहीं है, कार में आते इससे अच्छा ले गए। इनकी बहन की आँख इतनी दूर दे दिया रूम हमें, जंगल वाला रूम लेना जरूरी था। जंगल वाला रूम ले लिया। सूप पी लो भाई सब दांत का, मैं सूप में हल्का सा। बारिश आ रही बड़ी खतरनाक वाली, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रही, बहुत देर से बिजली टिमटी मारी थी, बड़ी खतरनाक वाली बिजली थी भाई, गड़गड़ 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 गड़गड़। ओ भाई साहब बचाओ मुझे, बचाओ जंगल में आ गए, ओ भाई साहब बचाओ बचाओ। मौसम बढ़िया हो रहा आज, बारिश खतरनाक वाली हो रही। ये देखो यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, ये हमारा होटल का रूम है, होटल के रूम के पास बाढ़ आ चुकी है।
हम तुम किसी जंगल में जा रहे हो और शेर आ जाए, शेर से मैं ये कह दूं मुझे छोड़ दे तुझे खा जाए हम तुम।